हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लजीज कुकिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए मोमोज की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं मोमोज की चटनी कैसे बनाते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमने कुछ लाल सूखी मिर्च ले ली है। हम इन्हें दो दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इनके बीजे बाहर निकाल लेंगे। सारी मिर्चियों में से हम बीजे अलग कर लेंगे, इससे ये ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। हमने मिर्ची में से मिर्ची के बीजे अलग कर लिए हैं। अब हम मिर्चियों को उबालने के लिए एक भगोनी में रखेंगे। एक कटोरी पानी डालेंगे और मिर्चियों को उबालने के लिए रख देंगे। मिर्चियों को हमें तब तक उबालना है जब तक ये मुलायम ना हो जाएं। अभी मिर्ची मुलायम नहीं हुई है, इसलिए हम इन्हें थोड़ी देर और उबालेंगे। हमें इन्हें ग्राइंड करना है, इसलिए ये ज़रूर देख लें कि मिर्ची ठीक तरीके से उबल जाए। मिर्ची उबल गई है, अब हम इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। एक जार लेंगे और उसमें मिर्ची डाल देंगे। अगर आपको चटनी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ये पानी भी इसी में डाल दें। एक टमाटर हमने काटा है, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। कुछ मूंगफली के दाने और कुछ लहसुन। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच काला नमक। अब हम चटनी को ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी मोमोज की चटनी। ये बहुत ही स्पाइसी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको मोमोज के साथ में सर्व कीजिए। मोमोज की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पर कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है।